नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मुंबई का मरीन ड्राइव, जिसे क्वींस नेकलेस भी कहा जाता है, शायद आप सभी ने देखा होगा, और जिन्होंने नहीं देखा होगा उन्होंने इसको देखने की इच्छा जरूर जताई होगी। लेकिन मुंबई जाना और वहां के मरीन ड्राइव का लुफ्त उठाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। ऐसे में आपको ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजधानी पटना वासियों को बिहार सरकार जल्द ही एक नई सौगात देने जा रही है, जिसके तहत मुंबई के मरीन ड्राइव के तर्ज पर बनने वाले राजधानी के गंगा पथ निर्माण के लिए हुडको से कर्ज का समझौता हो गया है और काम बड़ी ही तेजी से हो रहा है। मिली जानकारी के अनुसार फेज वन का काम मार्च महीने में पूरा होगा। परियोजना का अधूरा काम पूरा करने के लिए बिहार सरकार ने हुडको से 2000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, जिसके लिए समझौता हुआ है। बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक पंकज कुमार ने समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिससे कि एक बात तो तय है कि गंगा के किनारे इस पुल के बन जाने से जाम की समस्या से लोगों को निजात मिलेगा। इसकी जिम्मेदारी बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को सौंपी गई है। 20.5 किलोमीटर लंबे फोर लेन सड़क में 11.7 किलोमीटर का ऊपरी हिस्सा एलिवेटेड रोड होगा। इस परियोजना के निर्माण में 3,390 करोड़ रुपए की राशि के खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है। बिहार सरकार 1,390 करोड़ रुपए की राशि खर्च कर रही है, जबकि बाकी की राशि 2,000 करोड़ रुपए का कर्ज हाउसिंग अर्बन कॉरपोरेशन से लेकर इसका निर्माण किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस परियोजना का काम 3 चरणों में किया जाना है, जिसके तहत 20.5 लंबी सड़क LCT घाट, AN सिन्हा इंस्टीट्यूट, कृष्णा घाट, गाय घाट, कंगन घाट और पटना से होते हुए अशोक राजपथ से मिलेगी। हुडको से लिए गए कर्ज टोल और राज्य के संसाधनों से चुकाया जाएगा। इसी साल अगस्त में हुडको से कर्ज लेने पर बिहार सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है। इस परियोजना के पूरे होने से राजधानी वासियों को बेहद ही फायदा मिलने वाला है। अशोक राजपथ में हर दिन लगने वाले जाम से भी अब लोगों को निजात मिलेगा। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन की माने तो अटल पथ का फेज दो और गंगा पाथवे के फेज वन का काम मार्च महीने तक पूरा होगा, जिसके बाद पटना के लोग इन दोनों रास्तों से दौड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि इस सड़क का काम जोर शोर से हो रहा है। साल 2013 में सीएम नीतीश ने इस गंगा पथवे की नींव रखने का काम किया था, जिसके बाद से ही अब तक इस पर काम किया जा रहा है। वहीं काम की रफ्तार तेज होने के कारण अगले साल मार्च महीने तक इसके बन जाने की उम्मीद अब बढ़ गई है, जिससे एक बात तो तय है कि बिहार बदल रहा है और प्रगति के राह पर लगातार आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।